टीम आप नहीं करना चाहते। राजनीति जिनके लिए पैसा हो जाए, राजनीति जिसको जो लोग अपनी बपौती बना ले, राजनीति छल छद्म और धोखा देने का देश के साथ, समाज के साथ, युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो लोग कुत्सित प्रयास करते हैं, उन्हें राजनीति के इतिहास में सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए, दफन कर देना चाहिए। उनके राजनीति की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने जो कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 9.5 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित कर दिया। शौचालय सबको, हर गरीब के घर को, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। 4 करोड़ गरीबों के मकान 9.5 वर्ष में बन गए। भाइयों बहनों, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। 12 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय मिल गया। 80 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन देने की व्यवस्था, और अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन गरीबों को मिलता रहेगा, ये काम योगी जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एम्स, आईआईटी, आईएम, ये आधुनिक भारत की पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि कांग्रेस तो वायदा खिलाफी करती है। कहा तो था कांग्रेस ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने पिछली बार कहा था ना कि कर्जा माफ कर देंगे, कहा था ना 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, कहा था ना, और कहा था सरकार नहीं करेगी तो अपना खेत बेच करके करेगा, किया, पूछा जाना चाहिए कहां गया है पैसा। क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को तो लव जिहाद से ही फुर्सत नहीं थी, लव जिहादियों को फैसले देने से फुर्सत नहीं थी, यानी उनको यह भी फुर्सत नहीं थी कि हिंदू बालिकाओं के साथ क्या कुछ घटित हो रहा है, और उन उपद्रवियों और सौहदों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की बजाय उनके साथ खड़े हो जाते थे, उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ कार्य करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर की समस्या का समाधान हो गया होता क्या? और अगर मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या महाकाल का महालोक बन गया होता क्या? कांग्रेस ही तो कभी बनाते ही नहीं, कभी नहीं बनाते, इनकी इनके एजेंडे का हिस्से ही नहीं। क्योंकि महाकाल का महालोक और राम मंदिर के निर्माण में, काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में इनको सांप्रदायिकता नजर आती है। लव जिहादी उन तत्वों को जो अपनी जिहादी मानसिकता का जहर उगल रहे हैं, उनमें सांप्रदायिकता नजर नहीं आती, उनमें सद्भावना इनको नजर आती है, उनमें सद्भावना नजर आती है। लेकिन राम मंदिर इनके लिए सांप्रदायिकता का प्रतीक है, और राम मंदिर हमारे लिए राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत के अंदर राम राज्य की आधारशिला को रखने का प्रयास है। बिना भेदभाव के सबके साथ न्याय हो सके, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ हम सब मिलकर के कार्य कर सके, भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके, हमारा भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इस भाव के साथ राम मंदिर के निर्माण के अभियान के साथ हम सब जुड़े हैं। और इसमें भाइयों बहनों,
काला पीपल मैं विशेष रूप से आया हूं। मुझे बताया गया कि सभा कल कहीं दूसरी जगह होनी थी लेकिन यहां पर कर दी गई, और यहां पर भी मैं देख रहा हूं रेला है रेला रेला। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, केवल आपसे एक ही अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा और जुझारू कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। एक युवा और जुझारू कार्यकर्ता जो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा, एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार के पास यहां की समस्या को रखेगा और काला पीपल को भी महाकाल लोक की अनुभूति कराने की दिशा में अग्रसर कराएगा। योजनाओं का लाभ यहां हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बेटी तक पहुंचाने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, पिछले 20 वर्ष में अगर बीच के एक डेढ़ वर्ष के कार्यकाल को छोड़ दें तो शेष शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से मुक्त कराने में बड़ी सफलता प्राप्त की। अक्सर होता था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों पर बिहार और राजस्थान की तरह बीमारू प्रदेश का ठप्पा लगता था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अब बीमारू राज्य में अब विकसित राज्य के रूप में दोनों राज्य अपना स्थान बना रहे हैं, लेकिन बिहार और राजस्थान उभर नहीं पाए हैं अभी। और इसलिए भाइयों बहनों, अच्छे और युवा प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके दीजिए। ये युवा प्रत्याशी यहां के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ लगेंगे, सरकार की योजनाओं को यहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, कांग्रेस के झूठ और वादा खिलाफी के मुद्दों से उभार करके विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं कि भाइयों बहनों, फिर से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, विकसित मध्य प्रदेश के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए यह आवश्यक है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यहां पर आपके बीच में श्री घनश्याम चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाकर जाती है। सभी लोग सहमत है कमल चुनाव चिन्ह पर कांग्रेस के वादा खिलाफी और झूठ को दफन करने के लिए दीपावली है। संकल्प ले लीजिए, 11 को अयोध्या में हम लोग दीपोत्सव का भव्य आयोजन करते हैं और 11 नवंबर को यह आयोजन होगा और उस दिन एक और दीपोत्सव से शुभ कार्य की शुरुआत और दूसरी तरफ हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को वहीं पर छोड़ने का एक संकल्प भी होना चाहिए। सहमत हैं? और 17 नवंबर को जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, एक एक सीट पर कमल खिलता हुआ दिखना चाहिए। सहमत हैं? काला पीपल में भी कमल खिलेगा ना, सभी सहमत हैं? भाइयों बहनों सहमत हैं तो अयोध्या के लिए अभी से हम कहेंगे घनश्याम जी से कि अभी से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद काला पीपल के श्रद्धालुओं को दर्शन कराने की तैयारी भी करवाएंगे। सहमत है ना सब लोग? तो कमल चुनाव चिन्ह पर घनश्याम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।